नमस्कार एस न्यूज में आपका स्वागत है पेश है तेरह मई गुरुवार शाम सवा पांच बजे राजस्थान की बड़ी खबरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इनकी पत्नी सुनीता गहलोत अब स्वस्थ है दोनों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है पिछले दिनों दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है उन्होंने कहा की जन जन के आशीर्वाद से आप दोनों स्वस्थ हुए जानलेवा दूसरी लहर के बीच राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने सरकार के निर्देशों के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं लेकिन इस बीच अब गांवों में भी लगातार बढ़ रहे मरीजों के कारण पुलिस बल भी कम पड़ता नजर आ रहा है यही कारण है कि अब गांवों के लिए भी पुलिस मुख्यालय से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है प्रदेश के 10 से भी ज्यादा जिले जहां पर संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है ऐसे जिलों के गाँवों में अब पुलिस सख्ती करने की तैयारी कर रही है जयपुर कमिश्नरेट और जिले के ग्यारह हजार ऐसी भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जयपुर कमिश्नरेट ने खाकी की सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन में ही कोविड सेंटर बनाना शुरू कर दिया है ताकि हल्के संक्रमित पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध कराया जा सके और उनको गंभीर संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सके प्रदेश में अपने तरह का यह पहला कोविड सेंटर होगा जिसमें सिर्फ पुलिस कर्मियों को ही रखा जाएगा राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा बीते छह दिन के अंदर राज्य में कोरोना के एक लाख नए मरीज सामने आए हैं इस कारण राज्य में आज संक्रमितों की संख्या आठ लाख से ऊपर पहुंच गई। पूरे देश में राजस्थान की स्थिति दसवें नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा कोरोना केस हो गए हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ऐसी मिली रिपोर्ट को देखे तो बीते चौबीस घंटे में राज्य में सोलह नए केस मिले हैं जबकि एक लोगों की मौत हो गयी लॉकडाउन में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों व सड़कों पर घूमने वालों के विरुद्ध राजस्थान में नियमानुसार विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जा रही है 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के चलान किए जा चुके हैं अब तक लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि नियमों को लगातार तोड़ रहे हैं नियम टूटने के साथ ही पुलिस कर्मियों की जान भी जोखिम में पड़ रही है चार दिन के भीतर ही कोरोना से चार पुलिस कर्मी भी दम तोड़ चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हों। उन्होंने कहा कि मानव सेवा सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का धर्म है और आज इसे निभाने का समय है समाज के सभी वर्ग इस संकट काल में यथासम्भव मदद कर रहे हैं राजनेताओं का भी यह दायित्व है कि की महामारी के दौर में एक दूसरे का संबल बने और इस जंग को जीतने के लिए लोगों को प्रेरित करें वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को सलाह देने वाली पैनल ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दो डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश की है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने सिफारिश की है कि कोविशील्ड के डोज के बीच का अंतराल 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए फिलहाल 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में कोविशील्ड के दो डोज लगाए जा रहे हैं पैनल ने साफ किया कि कोवैक्सीन के मामले में किसी भी तरह के बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है पैनल ने सुझाव दिया कि ऐसे लोग जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं उन्हें छह महीने तक वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए इसी के साथ पैनल ने प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन के बारे में चॉइस देने वाली सिफारिश की है वहीं स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं हालांकि सरकार की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में पिछले महीने हुए चुनाव और कुंभ भी है यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से भी साबित हो गई है कोरोना को लेकर डब्ल्यू की तरफ से बुधवार को जारी अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह है हालांकि WHO ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा है कि कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना भी संक्रमण बढ़ने की वजहों में शामिल है चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के जलिया चेक पोस्ट पर वाहनों की रफ्तार अब काफी कम हो गई है जन अनुशासन पखवाड़ा लगने के बाद भी लोगों का आना जाना थमा नहीं था हालांकि बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान उन्हें भेज दिया जाता रहा बावजूद इसके लोग बार बार आते जाते रहे 10 मई से लगे पूर्ण लॉकडाउन में गाड़ियों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगा है और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की श्री गंगानगर जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य के दौरान मंडियों और रास्ते में ढेरी किए गए गेहूं का उठाव करवाया जा रहा है ऐसा करने से गेहूं की गुणवत्ता खराब होती है जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि इस संबंध में समस्त व्यापारियों व फर्मों को आगाह किया जा रहा है सोनी ने बताया कि एफ की ओर से केवल उसी गेहूं का उठाव किया जाएगा जो कि कवर्ड पिड या मंडी में दुकानों के आगे स्थित पिड पर ढेरी किया गया है उन्होंने बताया कि बीच रास्ते या सड़क में ढेरी किए गए गेहूं के संबंध में समस्त दायित्व संबंधित फर्म या व्यापारी का रहेगा श्री गंगानगर इलाके में गुरुवार अल सुबह हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया यह बूंदाबांदी अल सुबह तीन बजे शुरू हुई जो नौ बजे तक रुक रुक कर जारी रही बूंदाबांदी से बुधवार रात से लेकर गुरुवार सुबह ग्यारह बजे तक अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव चार और न्यूनतम तेईस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इससे पूर्व यह तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास था तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली बूंदाबांदी के बाद एक बार धूप निकल आई हालांकि आसमान में बादल छाए हुए थे हनुमानगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है चिकित्सा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ग्यारह मई को लिए गए एक हजार सात सौ सैंपल की जांच रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है रिपोर्ट में 533 सौ पॉजिटिव आए हैं, तीस सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है दो रिपीट पॉजिटिव मिले हैं एक, एक सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है यह बात है श्री गंगानगर में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार और प्रशासन के लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन में अब मुख्य बाजार में तो सन्नाटा छाया रहता है लेकिन अभी भी लोग किसी न किसी बहाने से घर से निकलकर मुख्य मार्गों पर पहुंच रहे हैं पुलिस के लगाए नाकों पर पूछताछ के दौरान ऐसे लोगों में किसी के पास दवाई लेने जाने का बहाना है तो कोई थैला लेकर मंडी में सब्जी लेने जाने का दावा कर रहा है तह बाजार में भी आज हलचल अधिक रही इस मार्केट में किराना की दुकानें अधिक होने के कारण सुबह के समय लोग राशन लेने के लिए आ जाते हैं इसी मार्केट के साथ लगती महावीर दल भवन मार्केट और सब्जी मंडी में भी दोपहर तक भीड़ जुटी रहती है उत्तर पश्चिम रेलवे ने विभिन्न रेल सेवाओं को रद्द करने के साथ ही कुछ रेल सेवाओं के फेरे में कमी की है यह निर्णय कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया है रेलवे के उप महाप्रबंधक सामान्य और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि रद की रद्द रेल सेवाओं की प्रारंभिक स्टेशन से श्री गंगानगर नांदेड़ स्पेशल 15 मई से नंदेड़ श्री गंगानगर स्पेशल 17 मई 2021 से श्री गंगानगर नांदेड़ स्पेशल 14 मई से नंदेड़ श्री गंगानगर स्पेशल 16 मई से और बीकानेर बांद्रा टर्मिनल स्पेशल 17 मई से बांद्रा टर्मिनल बीकानेर स्पेशल अठारह मई से आगामी आदेश तक रद्द रहेगी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ एस न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें